नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के बारे में आपको बताया था। 15 फरवरी से 15 मई तक ये लगभग 90 दिन का चैलेंज था और इसमें लगभग 650 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। आज मैं इनमें से ऐसे कुछ लोगों के नाम आपको बताने वाला हूं जिन्होंने इस चैलेंज में अच्छा सक्सेस पाया। वैसे देखा जाए तो हर एक को सक्सेस मिला। अगर हम देखेंगे तो 90 दिन में लगभग 1040 किलो वेट लॉस हुआ। तो लगभग हर व्यक्ति का एवरेज 1.5 किलो से 2 किलो तक वजन कम हुआ। लोग कितना चले, इस चैलेंज के अंदर सब मिलके 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा लोग चले। तो इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी लोगों में आ गई, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आ गई। दोस्तों, आज मैं जिन लोगों ने प्राइज प्राप्त किए उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे इसलिए आपसे विनती करूँगा कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैलेंज में हमने कोई लगभग 8 या 9 टाइप के कॉम्पिटिशन हमने लिए थे। एक था रेसिपी कॉम्पिटिशन, यानी ऐसी चीज बनाओ खाद्य पदार्थ कि जो अपने कैंपेन के लिए सूटेबल भी हो और टेस्टी भी हो। इस प्रतियोगिता में अपर्णा गोरे को पहला क्रमांक मिला, मनीषा मंडलिक जी को दूसरा क्रमांक मिला और मदन गाडगिल को तीसरा क्रमांक मिला। एक और एक स्पर्धा थी जिसमें हमने लोगों को बताया था कि आपके जिंदगी में जो अहम महिला है उसके बारे में आप लिखिए। इस कंपटीशन में नीलम सनांशे जी को पहला क्रमांक मिला, रितेश झाड़े जी को दूसरा क्रमांक मिला और शिवानी पोतनी जी को तीसरा क्रमांक मिला। हमने और एक कॉम्पिटिशन ली थी जिसका नाम था बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। जो ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए कुछ काम की नहीं है लेकिन उससे कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमारे काम की है। इसमें श्रीनिवास बोलबत्तीन जी को पहला क्रमांक मिला, अवधूत कदम जी को दूसरा क्रमांक मिला और कल्पना अंगने जी को तीसरा क्रमांक मिला। इस चैलेंज में हमने वॉकिंग, साइकिलिंग इसका भी कॉम्पिटिशन लिया था। साइकिलिंग में डॉक्टर शिरीष आहिरे इनको पहला क्रमांक मिला, इन्होंने लगभग 1900 किलोमीटर साइकिल चलाई। दूसरा क्रमांक उनकी पत्नी और हमारी एडमिन हेमा आहिरे को मिला जिन्होंने भी लगभग 1800 किलोमीटर साइकिल चलाई। तीसरा क्रमांक रूपाली वाकचौरे को मिला जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर साइकिल चलाई। वॉकिंग में अंकुश इंगड़े जी को पहला क्रमांक मिला, अदिना सोनड़े जी को दूसरा क्रमांक मिला और रागिनी वाघमारे को तीसरा क्रमांक मिला। अब जो इस चैलेंज का सबसे अहम उद्दिष्ट था, एम था, वो था वेट लॉस, इंच लॉस और HbA1c में कमी। जिन लोगों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस किया इसमें से पहला क्रमांक मिला कल्पेश कोड़ी को जिन्होंने 22 किलो वेट लॉस किया। दूसरा क्रमांक दगड़ू पाटिल जी को मिला जिन्होंने 14.4 किलोग्राम वेट लॉस किया। तीसरा क्रमांक राधिका वेल्हाड़ को मिला जिन्होंने 12 किलो वेट लॉस किया। इंच लॉस में भावना बेलोरकर को पहला क्रमांक मिला। भावना बेलोरकर ने 19 सेंटीमीटर का मतलब होता है 6 इंच से भी ज़्यादा इंच लॉस किया। वेणु बर्वे जी को दूसरा, वेणु बर्वे ने 18 सेंटीमीटर इंच लॉस किया और माधुरी विश्वरूपे जी को तीसरा क्रमांक मिला। माधुरी विश्वरूपे ने 17 सेंटीमीटर इंच लॉस किया। HbA1c में कमी में पहला क्रमांक मिला मयूरेश जी नातू को जिन्होंने 5.9 ग्राम परसेंट से HbA1c कम किया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 1 ग्राम HbA1c कम करना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। इन्होंने 3 महीने में 5.9 कम किया है, ये काफ़ी सराहनीय बात है।
विनोद केलकर जी ने 4.7 कम किया और भावना बेलोरकर ने 4.5 ग्राम परसेंट कम किया। तो अभी ये लोग, विनोद केलकर जी तो नॉन डायबिटिक हो गए हैं और मेहरुजी नातु अभी भी इनका 6.8 के करीब है, हो सकता है कि ये 2-3 महीने में ये भी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैलेंज का समारोह कर्जत में बहुत अच्छी तरह से हुआ, इन लोगों को सराहा गया, इनको हमने ट्रॉफीज दी। सब सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगा होगा कि हमने भी ऐसे कोई चैलेंज में हिस्सा लेना चाहिए, तो देर किस बात की। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर आपकी इच्छा यहां पर प्रदर्शित कीजिए। मेरे कोऑर्डिनेटर्स, आपने अगर आपका व्हाट्सएप नंबर वहां पर दिया तो उसके ऊपर जब भी हमारा अगला चैलेंज होगा आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। मुझे यकीन है कि यह सब जानकारी देखने के बाद आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे। मैं आप सभी को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।